अभी जो हम आपको टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक का नाम है ताप का प्रभाव, और वह किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, तो वह टॉपिक है विलेयता, और विलेयता के अंदर है 2.3.1 ठोसों की द्रवों में विलेयता, और उसके अंदर है ताप का प्रभाव। इस टॉपिक को हम अभी बताएंगे आपको। तो चलिए लिखते हैं, पहले हम 2.3.1 ठोसों की द्रवों में विलेयता ठोसों की द्रवों में विलेयता। इस टॉपिक में पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ा दिए हैं। अभी हम पढ़ाएंगे चौथा पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पहले हम देख चुके हैं, कि एक पदार्थ में दूसरे की विलेयता पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त दो अन्य कारक कौमा ताप एवं दाब भी इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब टॉपिक आता है ताप का प्रभाव। यह टॉपिक है, और इसमें पहला पॉइंट है कि ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों में द्रवों की विलेयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दूसरा, गतिक साम्य होने के कारण इसे
ले सातेलिए नियम का पालन करना चाहिए। फुल स्टॉप। आप लोगों के लिए एनसीईआरटी लिखा है अगला पैराग्राफ में कि हम लोग देख चुके हैं पहले कि हम देख चुके हैं कि एक पदार्थ में अगर कोई एक पदार्थ है दूसरे की विलेयता पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम आपसे पूछेंगे कि क्या हम देखे हैं एक पदार्थ में दूसरे की विलेयता किस चीज पर निर्भर करती है, तो आप बोलेंगे पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके अलावा कहता है इसके अतिरिक्त दो अन्य कारक भी हैं। दो अन्य कारक हम पूछेंगे, दो अन्य कारक कौन कौन हैं? आप बोलेंगे ताप और दूसरा बोलेंगे दाब। इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। दो अन्य कारक क्या नियंत्रित करते हैं? तो आप बोलेंगे ताप एवं दाब भी इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब टॉपिक आएगा कि ठीक है, अगर ताप करता है तो ताप का प्रभाव में क्या एनसीईआरटी आपके लिए लिखा है पढ़ने के लिए। पहला लाइन लिखा है कि ठोसों में द्रवों की विलेयता, अगर कोई ठोस पदार्थ है उसमें द्रव की विलेयता पर ताप परिवर्तन का कितना प्रभाव पड़ता है, तो आप बोलेंगे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कितना प्रभाव पड़ता है? तो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गतिक साम्य होने के कारण इसे कौन सा नियम का पालन करना चाहिए? इसे ले सातेलिए नियम का पालन करना चाहिए। हम पूछेंगे किस गतिक साम्य होने के कारण इसे किस नियम का पालन करना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि ले सातेलिए नियम का पालन करना चाहिए। तो तैयार हैं? अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? क्या बोले? फिर से बोलिए। ठोसों की द्रवों में विलेयता। हम देख चुके हैं कि एक पदार्थ में दूसरे की विलेयता किस चीज पर निर्भर करती है। वेरी गुड। इसके अतिरिक्त दो अन्य कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं जो इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं? वेरी गुड। ताप का प्रभाव में ठोसों में द्रवों की विलेयता पर ताप परिवर्तन का कितना प्रभाव पड़ता है? वेरी गुड। गतिक साम्य होने के कारण
यह किस नियम का पालन करना चाहिए इसे? वेरी गुड। तो आपको टॉपिक समझ में अब आने लगा, हम लिखेंगे, आप लिखिएगा, हम मिटाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की किस चीज को नियंत्रित करते हैं, पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। सॉरी, इसके अतिरिक्त दो अन्य कारक भी हैं। पहला कौन कारक है और दूसरा कौन कारक है? ताप एवं दाब इस दोनों को नियंत्रित करते हैं। तो ठीक है, तो टॉपिक आ गया ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव जो है ठोस में द्रवों की विलेयता कितना प्रभाव डालती है? जैसे चाय पत्ती बनाते हैं, पानी खोलते रहता है तब चीनी जल्दी घुलता है कि ठंडा पानी रहता है तब जल्दी घुलता है? गरम करते हैं तो जल्दी घुल जाता है। तो वही लाइन हम अभी पढ़ रहे थे, ठोसों में द्रवों की विलेयता किस चीज पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है, मतलब चीनी जल्दी घुलेगा। वही बात को देखिए रसायन में इस तरह से लिखता है कि ताप अगर बढ़ाएंगे तो जल्दी घुलेगा कि नहीं घुलेगा, समझ गए? और गतिक साम्य होने के कारण इसे कौन सा नियम का पालन करना चाहिए? ले सतेलिए नियम का पालन करना चाहिए। आगे लिखेंगे, तीसरा सामान्यतः सामान्यतः यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी ब्रैकेट में डेल विलयन और एच ग्रेटर देन जीरो ब्रैकेट बंद हो तो ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए। और चौथा पॉइंट, और यदि यह ऊष्माक्षेपी हो
तो विलेयता कम होनी चाहिए। तो विलेयता कम होनी चाहिए। ऐसा प्रयोगात्मक रूप से भी देखा गया है। तीसरा पॉइंट है कि यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी हो, ऊष्मा शोषी को हम लोग लिखेंगे डेल विलयन एच ग्रेटर देन जीरो, डेल विलयन एच ग्रेटर देन जीरो हो तो ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए। ऐसे भी हम थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि ताप के बढ़ने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, और यहाँ बढ़नी चाहिए लिखा हुआ है। और यदि यह ऊष्मा छेपी हो, डेल विलयन एच लेस देन जीरो हो तो कम होनी चाहिए। लिख लिया आप लोग? तो हम आपसे पूछेंगे कि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी डेल विलयन एच ग्रेटर देन जीरो हो तो ताप के बढ़ने पर क्या होगा? तो आप बोलेंगे विलेयता बढ़नी चाहिए, विलेयता बढ़नी चाहिए। और हम पूछेंगे जब ऊष्मा छेपी हो, डेल विलयन एच लेस देन जीरो हो तो क्या होनी चाहिए? तो आप बोलेंगे कम होनी चाहिए। बस इतना ही बोलना है। ऊष्मा शोषी हो तो ताप बढ़ने पर विलेय बढ़नी चाहिए, ऊष्मा छेपी हो तो यह कम होनी चाहिए, बस इतना ही तो याद रखना है। तब बोलिए, सामान्यतः यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी हो, डेल विलयन एच ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होगा ताप के बढ़ने पर? वेरी गुड। और यदि वह ऊष्मा छेपी हो, डेल विलयन एच इज लेस देन जीरो हो तब क्या होगा? बस हो तो गया, समझ में आ गया आपको कि पूछेगा ऊष्मा शोषी में क्या होगा विलेयता, तो आंसर रहेगा बढ़नी। ऊष्मा छेपी में क्या होगा तो क्या बोलिएगा? हाँ, तो पूछेगा कि ताप के बढ़ने पर विलेयता क्या हो गया तो क्या बोलिएगा? बढ़ती है। और उसको उसमें ऊष्मा छेपी होता है कि ऊष्मा शोषी होता है? नहीं, ऊष्मा शोषी। हाँ, विलेयता कब बढ़ेगी? ऊष्मा शोषी में। कब घटेगी? कब घटेगी?
कब घटेगी, कब घटेगी और कब बढ़ेगी? बढ़ेगी तो क्या होगा? उष्मा शोषी। घटेगी तब क्या होगा? कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे? ठोसों की, तो ठोसों की द्रवों में विलेयता में अभी हम पढ़ रहे थे टॉपिक ताप के बढ़ने से और ताप के घटने से। उष्मा शोषी में क्या होगा और उष्मा क्षेपी में क्या होगा विलेयता के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। थैंक यू फॉर डूइंग क्लासेस फ्रॉम पटना। कल रहेगा सर? कल बाहर ना रहेगा।